संतोष जी, आप यहाँ कैंप लगवाए हैं, यहाँ क्या क्या बन रहा है? नमस्कार, यहाँ पर वोटर कार्ड का कैंप लगाया जा रहा है और ये वोटर कार्ड का 7वां कैंप है और 1986 विधानसभा में सभी कॉलोनियों में और फैक्ट्रियों में जा जाकर हम लोग ये कैंप लगा रहे हैं ताकि लोगों को अपना मतदान बनाए और आने वाले समय में अपने एक ऐसा विधायक चुने। अब तक क्या है कि जनता विधायक चुनती थी, अब समय आ गया कि जनता इस बार खुद विधायक बनेगी और अपने क्षेत्र का, अपने कॉलोनी का विधायक चुनेगी जो जनता की समस्याओं का समाधान करे। इसलिए सबके पहचान पत्र बनवाया जा रहा है ताकि कॉलोनियों के अधिक से अधिक पहचान पत्र बनेंगे तो अपना मतदान कर सके और अच्छा विधायक चुन सके क्षेत्र। NIT में कहा जाता है कि कई तरह की समस्याएं हैं जो है, यहाँ कहा जाता है कि अगर हल्की बारिश हो जाए तो पानी भर जाता है यहाँ से लेके एयरपोर्ट रोड के आसपास, पूरा पर्वतिया कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, जनता कॉलोनी में। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, या मतलब? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से भाजपा सरकार हरियाणा में बनी है, मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपया देकर यहाँ पर पानी भेजा और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो एक बड़ी समस्या हो। अब तक जो हमारे विधायक यहाँ रहे हैं उन्होंने हमें सड़क, नाली, खड़ंजा और पानी के ही भंवर में हमें फंसा के रखा हुआ है। अच्छा, करोड़ों रुपया लगाकर मुख्यमंत्री जी ने पानी भेजा, लेकिन आज जो टैंकर माफिया है सुबह 6 बजे जाके देख लो हर जल घर पर ये यहाँ पर पानी ले जाते हैं और पानी फैक्ट्रियों में बेचा जाता है, वो सब विधायक से मिले हुए लोग हैं। अच्छा, क्षेत्र में भाजपा सरकार ने किसी चीज कोई कमी नहीं रखी। इनेलो का विधायक होने के बावजूद लाखों करोड़ों रुपये हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया, लेकिन क्षेत्र की जनता तक जो सुविधाएं वो पहुंच नहीं रही है। अब जो मैंने यहाँ से शुरुआत करी है, क्षेत्र की जो जनता है, मैंने यहाँ पर जगह जगह वार्ड है जो वाल बंद कर रखे हैं, जिस दिन क्षेत्र की जनता ने विधायक बना के भेजा 24 घंटे के अंदर यहाँ का वाल खोलूंगा और जो टैंकर माफिया यहाँ का कॉलोनी का पानी ले जाकर बेच रहे हैं वो तुरंत पानी बंद कराकर 24 घंटे क्षेत्र की जनता को पानी। संतोष यादव, बात बताऊँ, ये जो काम है, ये सीवर, नाली, खड़ंजा, ये काम कोई बड़े काम नहीं है, ये तो नॉर्मल काम है। इससे बड़े काम जो होने हैं, हमारी बहन बेटियों की शादी होती है, सरकार की योजना है, लाखों रुपए जो मिलते हैं, मुद्रा लोन योजना है, कोई रोजगार खोलता है, गहने, घर मकान गिरवी रख कर वो अपना रोजगार खोलता है, जो कि सरकार की योजना है, 10 लाख का मुद्रा लोन योजना है जो आम जनता तक पहुँचना चाहिए, वो जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, आयुष्मान योजना है जो सरकार की योजना है, जो 5 लाख का बीमा योजना है वो आम जनता तक पहुँच नहीं रही है। विधायक का नहीं, आप में इतने लोग हो जो है, किसी का जो सरकार की योजना चल रही है आयुष्मान योजना, किसी का उससे इलाज हुआ है क्या जो है? किसी के इलाज हुआ है या किसको कार्ड मिला है? नहीं, किसी को लाभ मिला है? किसी को नहीं मिला है जो है? 2 लाख रुपए मिला है किसी को? किसी को नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ, हाँ, आज तक विधायक ने ये समझा ही नहीं कि मैं कॉलोनियों में जाके जागरूक करूंगा। बहन बेटियों शादी के लिए पैसे मिलते हैं, मतलब किसी को पता ही नहीं होगा, मतलब आप लोगों को पता नहीं है कि कोई मोदी सरकार की योजना है जिसमें फ्री इलाज होता है 5 साल तक का जो है? नहीं पता है, कभी किसी को नहीं पता है। जागरूक कर रहे हैं और मैं ये चीज बता दूं आपको, सेक्शन 34A के तहत जो फ्री बच्चे 2 से 12 तक के पढ़ाए जाते हैं हर अप्रैल, हमने 350 बच्चे करवाए थे। मैं कह रहा हूँ हमारी माता बहनों को ये नहीं पता कि जिस प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे हैं, गरीब तबकों के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई 12वीं तक फ्री हो सकती है। ये विधायक करते ही नहीं वो बच्चों, अगर किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो उसमें कम से कम 10 से लेकर 25% बच्चे फ्री पढ़ाए जाते हैं। संतोष यादव जी, आप किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और विधायक लड़ने के लिए? सर, मैं भाजपा पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। मैं भाजपा का IT सेल, सोशल मीडिया देख रहा हूँ मैं राष्ट्रीय स्तर पर, और मुझे पूरा पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी मुझे टिकट देंगे यहाँ से। भाजपा की टिकट पर कई दावेदारी है, कई सारे नेता लाइन में है, तो अगर आपको उस पार्टी से टिकट ना मिली तो क्या आप अगला निर्णय क्या होगा? मैं आपको बताऊं, टिकट तो मुझे ही मिलेगी क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मेहनत 1986 विधानसभा में मैंने करा था और यहाँ से सबसे ज़्यादा समर्थन प्रवासियों का गया था और 1 लाख से ज़्यादा वोट 1986 से हमारे केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर जी को मिला था, तो इसलिए टिकट मुझे मिलेगी। बाकी देखो, दावेदारी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका। आप अब तक कितने वोटर, नए वोटर कार्ड बनवा चुके हैं 1986 के अंदर? ऐसा हमने शुरू से जो है यहाँ पर बराबर वोटर कैंप जगह जगह ऑनलाइन हम लोगों का कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहा है। लगभग यहाँ पर 6-7 हज़ार लोगों को वोटर कार्ड पहले थे नहीं, वो बन चुके हैं और आगे और बनाने की योजना हमारी है। ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं ताकि ऑनलाइन लोगों का सरकार तक, हर गली मोहल्ले से लोग जागरूक हों, अपना वोटर कार्ड बनवाएं। ठीक है, हम जागरूक करें।